हम लोगों ने उनसे मांग की है कि भाई हम सब पूरे प्रदेश के अंदर अमन चैन स्थापित हो। जो आज प्रदेश के अंदर जंगल राज चल रहा है, आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो अमानवीकृत हो रहा है, आप जो जिस तरीके की पूरे प्रदेश के अंदर देश के अंदर जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, वो भगवान हनुमान जी ताकत दें हम सब लोगों को उनसे लड़े और लोगों को सद्बुद्धि दें। नहीं शुरुआत नहीं, आज आठवां है, आज ये संविधान संकल्प जो सम्मेलन चल रहा है वो आठवां सम्मेलन है आज, और इसके बाद दो सम्मेलन और होने हैं, उसके तहत निश्चित तौर से आज हम लोग यहाँ मिल्कीपुर चलकर उसकी आज आठवें की शुरुआत करें। बिल्कुल हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं, भर्सना करते हैं, और केवल योगी जी बुलाकर दिखावा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उस परिवार को आर्थिक सहायता 1 करोड़ रुपए की सहायता दे, एक सरकारी नौकरी दे, और जो जिनके घर मकान जलाए गए जिस तरीके से जो चीज़ें जो उसमें हुई हिंसा में, उन सब लोगों को क्षतिपूर्ति दी जाए और उनकी मदद की जाए, और जो अधिकारी जो लोग जो पॉलिटिकल लोग इसमें शामिल हैं उनको तत्काल कठोर से कठोर कार्रवाई करें। मिलकर लड़ेंगे, 10 की 10 जीतेंगे, 10 भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, और मैं विशेष रूप से अयोध्या वासियों को जो भगवान श्री राम के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से शिकस्ती हराया, और उनके जो मंसूबे जो गलत मंसूबे थे उसका पूरी तरीके से उन्होंने पूरे अयोध्या से हरा के पूरे देश को संदेश दिया।